क्योंकि तुम इधर कब आओगे? अभी तो एक काम हुआ, थोड़ा ट्रैक करना था। चौधरी साहब, बहुत आला किस्म का बाग है, इस बार महंगे दामों खरीद लेना चाहिए, बहुत मुनाफा होगा हमें। मुंशी, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कर इसे काट के चेक कर कैसी आई है वैरायटी। रुक जाओ, इसे काट रहे नहीं। ए, रुक जाओ, क्या बच्चों वाले काम कर रहे हो? ये बात से बता रहा है कि अंदर तुम्हें कितना मीठा हो। इस बात से बता रही है, ठेका लेने तुम लोग, वरना जाओ। मुंशी, बुजुर्ग की बात तो बिल्कुल ठीक है, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? बाग तो बहुत प्यारा है। तो ठीक है, अल्लाह ताला की नियमत तो मत झुठलाओ, 4 करोड़ रुपया दो और ठेका लो। 4 करोड़? आपकी बात ठीक है, हम मशवरा कर ले पहले आपस में, आ जाओ। मुंशी, मुझे तो इस बाग में तो गड़बड़ लगती है, पूरे बाग में सिर्फ एक आम है जो पीला है, 4 करोड़ रुपया यार कैसे दी इसको? चौधरी साहब, मुझे भी कोई ना कोई गड़बड़ लगती है, उसने हमें काटने नहीं दिया, इसको काट कर चेक करते हैं, ये आम है कि इमली है। पीछे क्या देखता है, चल बिस्मिल्लाह कर। ए, चौधरी साहब, मुझे तेरी शक्ल को क्या हो गया है, मीठा है या खट्टा है? चौधरी साहब, बुड्ढा बहुत पैमान लगता है, ऊपर से कलर कर दिया इमली को। ये तो कच्चे आम है सारे। अच्छा, तो इसका मकसद है बुड्ढा फरादी है और हमें 4 करोड़ रुपए का चूना लगाना चाहता है। अब तू देख चौधरी के काम इसकी किस तरह बैंड बजाता है, चल मेरे साथ। ये आवाज कैसी आ रही है, इधर आ मेरे साथ। मुझे यही फरादी और नजर आ रहा है। तुम बाप बेटा हमें पागल बनाना चाहते थे। हाँ मुंशी, इसका तो काम तमाम हो गया, बुड्ढे के पास चलते हैं। आपका बाग माशाल्लाह बहुत प्यारा है और हमें इसकी वैरायटी पसंद आई है, हम आपके साथ डील अपनी डन करते हैं। मुझे पहले पता था, अब कैसे ठेका कबूल नहीं करोगे, पहले भी बुरिया लग चुकी है, माल भी इतना अच्छा है। आपके बाग का 4 करोड़ नहीं 8 करोड़ देंगे, मगर हमारी एक शर्त है। 4 करोड़? 8 करोड़? कौन सी शर्त? हाँ तो शर्त कान खोल कर सुनो, ये पूरा आम आपको खाना पड़ेगा, खाने के बाद अगर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज ना हुए तो हम आपको 8 करोड़ देंगे, अगर चेंज हुए तो फिर ये बाग हमारा। ये कोई बात है, इतना मीठा आम है, मुझे दिखाओ आम। ये तो आम नहीं, ये तो इमली है। हाँ हाँ, हमने तुम्हारा सारा फ्रॉड देख लिया था, जब तुम इमली को आम बना रहे थे।